मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुद को ओएसडी बताकर सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वाले दो जालसाजों को भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम के हाथे चढ़े दोनों शातिर आरोपी खुद को सीएम का ओएसडी बताकर ट्रांसफर रखवाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। एसपी साइबर सुजीत तिवारी के मुताबिक दोनों शातिर जालसाजों ने बीते दिनों एक कर्मचारी को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने शासकीय कर्मचारी की शिकायत के बाद जांच की तो सामने आया कि दोनों आरोपी अब तक 6 कर्मचारियों को डरा धमका कर 20 लाख रुपए लूट चुके हैं। पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें निवाड़ी के पृथ्वीपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुख्य आरोपी सौरभ खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर ठगी करता था। वहीं हरबल ठगी के पैसों को मनी ट्रांसफर करने वालों के खातों में डलवाने का काम करता था। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सर, 2 लोगों को पकड़ा है जो मुख्यमंत्री के ओएसडी बताकर ठगी करते थे, क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये लोगों को अपने झांसे में लेते थे? इसमें आवेदक ने साइबर क्राइम भोपाल में शिकायत की थी कि उसको स्थानांतरण का आदेश बताकर ये बताया गया कि आपका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, चूँकि हम मुख्यमंत्री के ओएसडी कार्यालय से, मैं ओएसडी बोल रहा हूँ, और इस तरीके से फर्जी आदेश दिखाकर, तो उनको विश्वास हो गया और उनसे कहा अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो बताइए। तो उसको उस तरीके से झांसे में लेके फिर उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसमें इनको कुछ जब ऐसा लगा, बाद में कोई आदेश और वो नहीं मिला, तो इन्होंने साइबर क्राइम से संपर्क किया, जिस पर इनके आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर और अन्य साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपियों को निवाड़ी जिले से पकड़ा गया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि यह लोग अपने आप को पहले क्या करते थे कि गूगल से ये लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जानकारी और फ़ोन नंबर निकालकर और फिर फर्जी आदेश तैयार कर उनसे बात करते थे और यह बताते थे कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से ओएसडी या अन्य इस तरीके के समकक्ष जो महत्वपूर्ण पदों के अधिकारी हैं वह बोल रहे हैं, और फिर उनको वो फर्जी आदेश भेजते थे और कहते थे कि आपका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है, अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो बताइए उस तरीके से। तो इसमें कर्मचारी दबाव में आ जाता है तो वो संपर्क करके फिर ये उनसे पैसा ऐंठ लेते थे स्थानांतरण रुकवाने के नाम पर। इसको ये खुद के खातों में ना करके जो अन्य कियोस्क के आसपास, इनके इलाके के आसपास छोटी जगहों पे जो पैसा एकत्रित करने वाले सेंटर होते हैं वहाँ पे ये पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। तो इस शिकायत पर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे अब जो मोबाइल और सिम जब्त की गई है तो उसमें अब ये और साक्ष्य पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन्होंने अन्य किसी अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी इस प्रकार का फ्रॉड किया। जो फरियादी आए थे आपके सामने, ये कौन से डिपार्टमेंट में हैं, क्या करते हैं? ये थोड़ा सा इनका ये कहना है कि उसको अभी ना वो किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए, तो इसलिए अभी हमने उनका नाम ओपन नहीं किया है। हम थोड़ा सा अभी और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हमको और पता चले कि किस तरीके से इन्होंने अन्य और किन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के साथ फ्रॉड किया था। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हो सकता है इसमें, जैसे टेक्निकल बता रहे हैं? हाँ भाई, टेक्निकल जैसे साक्ष्य जो होते हैं हमारे, जैसे मोबाइल और इनके जो डिवाइस हम जब्त करते हैं, इनसे भी पूछताछ की है और अभी हम इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कुछ अगर जैसे चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा ना हो कि जो संभावित आरोपी हैं वो कहीं इधर उधर भाग जाएं। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं इसमें, अगर और हमें साक्ष्य मिलेगी और अन्य कुछ ऐसे चीज़ें प्रकाश में आएंगी कि कुछ अन्य अधिकारी कर्मचारी के साथ फ्रॉड किया गया है तो फिर उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन। आईडी कार्ड इनका या सील वगैरह मिली है? अभी इनके द्वारा वो जो अप्रेटस वगैरह जिससे तैयार करते थे वो सारी चीज़ें हम मोबाइल और वो सब सीज करके लाए हैं, जिससे फर्जी आदेश वगैरह वहाँ भेजते थे बनाकर तैयार करके और वो सब, तो वो सब चीज़ें डिवाइस वगैरह सर इनके पास यही सब है, इनके पास अप्रेटस वगैरह हैं जो, और अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। तो लगता है कुछ चेन के रूप में काम कर रहे हैं या 2 ही लोग हैं? अभी तो फिलहाल ये 2 प्रकाश में आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा अभी पता नहीं चला है, लेकिन हम और क्योंकि कई बार चीज़ें छुपाते हैं तो इनके मोबाइल और डाटा के आधार पर और पता लगाएंगे, फिर इनसे आगे की इन्वेस्टिगेशन और करेंगे।